सो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज वाली वीडियो में फिर से तीन तीन एप्लीकेशन लेके आ गए हूँ, जिसमें से कि एक तो ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा उसमें बिल्कुल ही एकदम साइन अप एंड रिडीम वाला ऑफर होने वाला है। और हाँ, उसमें स्पेशल बात ये है ना कि आप उसमें फ्री का रिचार्ज ले सकते हो या फिर गूगल प्ले का रिडीम कोड भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ और एक जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो तो भाई पूरा ही नया एप्लीकेशन होने वाला है, उसमें तो आप लोग डेली टू डेली अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, इस वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक के मैं 5000 लाइक्स का प्लीज जल्द से कंप्लीट करवा दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी हम बहुत सारे कैंपेन्स और अलग अलग ऑफर देते रहते हैं, जिससे कि आप अलग से और पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पे आपको फर्स्ट ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो प्ले स्टोर में एक ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसका नाम है रिचार्ज बिल पेमेंट, इस नाम से आ जाए, ठीक है। तो इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। भाई ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही नया ऑफर होने वाला है। फिर इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। आप जैसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा खुल के आ जाए, यहां पे आपको सबसे पहले नेक्स्ट 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 ये सब कर देना, ठीक है। आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, यहां पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको अपना कोई भी यहां पे मोबाइल नंबर डाल देना। अब जब आप नेक्स्ट पे आ जाओगे ना, यहां पे आपसे आपका नेम मांगता है और एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलता है, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर देना, और वेरीफाई करने के बाद ऐप जैसे ही ओपन होगा तो कुछ ऐसा खुल के आ जाए। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा एक पिन सेट करने को, तो आप कुछ भी पिन सेट कर देना। मैं यहाँ पे 1234 करके पिन एक सेट कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, हमें 5 रुपीज का साइन अप बोनस मिल चुका है, और इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप बस देखते जाओ इसको कैसे विड्रॉ करना है वो आपको बताऊंगा। आपको इसका मिनिमम विड्रॉ भी बता देता हूँ, जब यहाँ पे 10 रुपया हो जाता है तब आप यहां से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन चिंता नहीं करने का, आप इस 5 रुपीज को भी विड्रॉ कर सकते हो। अभी आप बस ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे ऊपर में देखिए एक ऐड बैलेंस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो, आपको यहाँ पे ऑनलाइन डिपॉजिट वाला ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऐसे यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपको नीचे देखो पे यूजिंग क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे ना 10 रुपीज पे कर देना है, ठीक है। तो 10 रुपीज पे करने से इसका वॉलेट में आपका और 10 रुपीज ऐड हो जाएगा। देखो चिंता मत करो यार, आप अभी जो 10 रुपीज पे कर रहे हो ना वो इंस्टेंट आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे 10 रुपीज पे कर देता हूँ अपना एक यूपीआई से। अब मैं वापस एप्लीकेशन में आ गया हूँ, यहाँ पे 10 रुपीज मैं ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। आप ऐड करोगे इंस्टेंट पैसा ऐड हो जाता है। मैं बैक आ जाता हूँ, अभी 5 रुपीज दिखा रहा है। यहाँ पे फिर से रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरा 15 रुपीज हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 रुपए ऐड किया और इंस्टेंट 15 रुपए यहाँ से विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉ करने का, या तो आप यहाँ से गूगल प्ले का रिडीम कोड निकाल सकते हो, या फिर अपना फोन में रिचार्ज कर सकते हो, जो 15 रुपए में जो डेटा वाउचर आता है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल प्ले का रिडीम कोड ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक गूगल प्ले वाला ऑप्शन है, इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगे और अमाउंट यहाँ पे मांगे, तो अमाउंट में मैं यहाँ पे 15 रुपए डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे 4 डिजिट का पिन मांगता है, जो आप शुरू में पिन यहाँ पे सेट किए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक गिफ्ट कोड मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट कोड है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और फिर गूगल प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, और रिडीम कोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो रिडीम कोड को पेस्ट कर देना और रिडीम पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे मेरा गूगल प्ले का बैलेंस में देख सकते हैं, 15 रुपीज हो चुका है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपका घर में जितना भी फोन है ना, आप सब में इसको लूट सकते हो। मैं अपना एक दूसरा फोन में भी किया था, और उससे मैं जियो का एक रिचार्ज कर लिया था, डेटा एड ऑन किया था 15 रुपीज का, ठीक है। तो आप ऐसे रिचार्ज भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ हमारे आज के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा अर्निंग का फीचर मिल जाता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर तो मतलब पहले तो 0 बैलेंस ही रहता है, यहाँ पे आपको एक डेली चेक इन का बोनस मिलता है। तो देखो उस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना होता है। आप जैसे क्लिक करोगे ना, एक एड लोड होकर आएगा। आप इस एड को जैसे ही कट कर देंगे तो आपका यहाँ पे 10 कॉइन ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है ना, नीचे आना है, एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाए। चिंता मत करो, रेफर नहीं करवा रहा। देखो आपको नीचे में एक एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक रेफर कोड दे दूंगा, ठीक है। वो रेफर कोड डाल के क्लेम बोनस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं ऐप को ओपन करूंगा ना, यहाँ पे हमें वो रेफर कोड अप्लाई करना है, 30 कॉइन और एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब साइन अप करते करते हमें यहाँ पे टोटल 40 कॉइन मिल चुका है। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सारा और भी अर्निंग का ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक विजिट एंड कॉइन का एक ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, आपको किसी भी एक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। अब आपको इस वेबसाइट में 1 मिनट वेट करना है। बगल में देखिए एक टाइमर भी चलता है, तो उस टाइम तक आपको वेट करना होता है। और जो वेबसाइट है ना, उसको थोड़ा ऊपर से नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये टाइमर खत्म होने वाला है, टाइमर खत्म होते ही ना यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, इस ऐड को कट कर देना है।
और कट करते ही आपका यहाँ पे 10 कॉइन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला टास्क बहुत ही सिंपल सा, आप ऐसे करके ऐसे आपको 10-10 कॉइन करके मिलते जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा अर्निंग का ऑप्शन बताता हूँ जिसमें कि आप सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पिन एंड विन का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में आ जाना, आप बस ध्यान से देखते जाओ, आपका इससे बहुत अच्छा अर्निंग हो जाए। सिंपल सा जो स्पिन एंड व्हील में होता है, जो व्हील होता है उसको आपको घुमा देना होता है। ठीक है, और इसमें देखो जैसे मैं घुमाया, यहाँ पे 14 कॉइन मेरा निकला। उसके बाद फिर आपका एक यहाँ पे एड लोड होकर आ जाता है और फिर इस एड को कट कर देना होता है। ठीक है, जैसे कट कर देंगे उसके बाद आपका जितना भी कॉइन होगा वो आपका ऐड हो जाता है। और आप यहाँ पे जैसे स्पिन करते जाएंगे ना, बीच बीच में यहाँ पे इंस्टॉल ऐड वाला भी आपका टास्क आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा पॉपअप। ठीक है, तो उस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना होता है, उसके बाद आपका एक ऐड आएगा। ठीक है, तो इस ऐड को आपको इंस्टॉल कर लेना होता है। ठीक है, तो इंस्टॉल करके बस थोड़ा देर वेट करिएगा, फिर से आपको बैक चल जाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरीफाई इंस्टॉल टास्क का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना होता है, फिर आपका कंप्लीटेड दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉल वाला होता है इसको करने का आपको 65-60 ऐसे कॉइन मिल जाता है। यहाँ पे आपको डेली का 25-30 स्पिन कंप्लीट करने को मिलता है। और देखो मैं सारा कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, कंप्लीट करने तो मेरा यहाँ पे 487 कॉइन हो चुका है। तो भाई ये तो सिर्फ स्पिन करने का हुआ, और भी भाई जो ऑप्शन बहुत सारा है ना, उससे आप और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, और ये चीज आप डेली टू डेली अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको एक वॉच एंड कॉइन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला भी बहुत ही सिंपल सा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एक एड लोड होकर आएगा। ठीक है, तो एड को उसको कट कर देना और उसका आपको 10-10 कॉइन करके मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्क्रैच एंड विन का भी ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सा, स्क्रैच करना है, स्क्रैच करोगे एड लोड होगा, एड को कट करना, फिर जितना कॉइन आगा उतना एड हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों मैं यहाँ पे टास्क वगैरह करके टोटल 1100 कॉइन कर चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसका सोल्यूशन बताता हूं। यहाँ पे कभी कभी विड्रॉ पे क्लिक करने से कंप्लीट स्पिन टू अनलॉक दिखाता है, मतलब अगर आप सारा स्पिन कंप्लीट भी कर लिए होंगे ना फिर भी वैसा दिखाता है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो स्पिन एंड विन वाला ऑप्शन है ना, इसको खोल के एक बार बंद कर दीजिए। ठीक है, आप देखो विड्रॉ वाला ऑप्शन में आ जाओ तो ये आराम से खुल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 1 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज ऐसे आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि जैसे 1000 कॉइन पे यहाँ पे 10 रुपीज मिल रहा है, तो मैं ये 10 रुपीज का विड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर डिटेल में आपको अपना पेटीएम नंबर डाल देना होता है और फिर सबमिट कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब देखो इसका जो पेमेंट होता है ना, वो आपको 24 आवर्स में मिलता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको पेटीएम भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपीज मुझे रिसीव हो चुका है उस एप्लीकेशन की तरफ से। अरे भाई जा कर रहे हो, अभी तो तीसरा एप्लीकेशन बताना बाकी है मेरे दोस्त, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आ जाए। यहाँ पे आपसे कुछ ऐसा पूछता है, तो यहाँ पे आपको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ कुछ परमिशन मांगता है, तो वो परमिशन अलाउ कर देना होता है, और एक एक्सेसिबिलिटी का एक परमिशन मांगता है। ठीक है, तो वो परमिशन भी आपको इनेबल कर देना है। देखो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये 2 साल से चल रहा है और 2 साल से पेमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, फुल्ली ट्रस्टेड एप्लीकेशन। अब देखो उसके बाद आपका कुछ ऐसा होम वाला एक पेज खुल के आ जाए, उसका बगल में देखो एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इसमें आपको आ जाना है। अब देखो यहाँ पे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका एज पूछता है, तो एज में आपको 22 से लेकर 25 या फिर 27 ऐसे कुछ एज डालना है। उसके बाद फिर जेंडर में आपको अपना मेल फीमेल डाल देना है, और फिर उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर देना है, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। आपका नीचे में और एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको ये जितना भी आइटम है आपको सिलेक्ट करना होता है, मतलब आपका घर में जो भी आइटम होगा ना वो सारा सिलेक्ट कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो भी सारा आंसर देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होता है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको देखो रिवॉर्ड्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, रिवॉर्ड वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना आपका पेटीएम नंबर मांगा, तो आपको अपना पेटीएम नंबर दे देना है फिर से एक बार। ठीक है, पेटीएम नंबर देके आपको सबमिट कर देना है, और बस इतना करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, इस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपको बस ऐसे ही फोन में आप छोड़ दीजिएगा, आपको हर हफ्ता इस एप्लीकेशन से 10-10 रुपीज ऑटोमेटिक आपका पेटीएम वॉलेट में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप पेटीएम में भी देख सकते हैं, मुझे 10 रुपीज अभी रिसेंटली विशन के तरफ से रिसीव हुआ था। ठीक है, तो ये हर हफ्ता मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।